सरकार ने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के निधन के बाद सोमवार को राज्य के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। जनवरी में कोविड-19 के संक्रमण होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती मंगेशकर की शनिवार को तबीयत बिगड़ गई और रविवार को 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान ने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के निधन पर कहा, यह हमारे लिए दुख भरा दिन है। लता जी केवल एक आइकॉन नहीं, वह भारतीय संगीत और कविता का हिस्सा हैं। वह सुनता हमेशा बनी रहेंगी। उन्होंने आगे कहा, मैं सुबह जाग कर लता जी की तस्वीर देखता था और उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी। दिग्गज संगीतकार साजन मिश्रा और पूरन चंद वडाली ने महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बकौल साजन, वह दुखद समय है जब पहली बार उनसे मिला, उनकी आवाज़ मंदिर की घंटी की तरह थी, लगा जैसे बजती हुई घंटियाँ सुन रहा हूँ। वडाली ने कहा, उनकी आवाज़ को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, उनके जैसे लोग कभी नहीं मरते। सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने शनिवार को एक तस्वीर शेयर की जिसमें दिवंगत गायिका लता मंगेशकर रंग दे बसंती के स्टेटस पर म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान और गीतकार प्रसून जोशी की तस्वीर खींचते हुए दिख रही हैं। बकौल श्रीपदा, लता जी की फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। उन्होंने इसके बारे में कहा कि उनके पास प्रोफेशनल कैमरे का बहुत ही शानदार संग्रह था। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट किया, सबको मदहोश करने और प्यार सिखाने वाली देवी आवाज़ अब स्वर्ग में प्यार बांटने चली गई है। उन्होंने लिखा, इतने वर्ष तक लता ताई ने गानों को सुनने, उनकी दो चोटी वाली छवि और बच्चों जैसी खासियत से ने हमारे दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिटेगी। गायिका लता मंगेशकर के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने कहा कि लता दीदी का जाना असहनीय है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब के बाद वह हमारी आधार थी, सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रही। दीदी के निधन से हमारे परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। लता पिछले करीब एक माह से कोविड-19 के चलते अस्पताल में भर्ती थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।